नमस्कार दोस्तों, आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आलोकन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए करंट जीके के नाम से एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं और ये सेशन रोज़ अब आपको करंट जीके के बारे में जो भी अपडेट्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट के लेवल पे, वो सारे के सारे जो अपडेट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अहमियत वाले हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको हम रोज़ डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने में हम आपको इसमें एक बात बताना चाहते हैं और वो बात ये है कि ये जो नया जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम तीन तरह से जो है करंट जीके को जो लेकर के आएंगे, उसमें पहला है, पहली जो है हम उसको वन लाइनर के रूप में लाएंगे। वन लाइनर के रूप में लेकर के आएंगे। दूसरी जो है उसके हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे और तीसरा जो है उसको हम समरी के रूप में लाएंगे ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो कहीं पे भी छूटे नहीं। आज हम आपके साथ पहली बार रूबरू हो रहे हैं, पहली बार आपके साथ हम संवाद कर रहे हैं आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस व्याख्यान में हमने 19 और 20 अप्रैल, चूँकि आज 21 अप्रैल है, तो 19 और 20 अप्रैल के जो अपडेट्स हैं, जो कि सारी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे चाहे आईएएस की एग्ज़ाम हो, आरएएस की हो, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हो, या रीट हो, पटवार हो, जो भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सेशन होगा। आप देखेंगे कि इसमें हम आपके सामने जो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने नेशनल लेवल से कुछ जो खबरें जो महत्वपूर्ण जो रूप से जो देखी और सुनी जा रही है वो अब आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इस करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है, इसमें आप वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक पंक्ति के उत्तर वाले क्वेश्चंस के रूप में भी देखते हैं, और इसमें हमने कई जो टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, जो टाइप्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, और आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो कोरोना का जो दौर चल रहा है उससे जुड़ी हुई खबरें भी, उससे जुड़े हुए मुख्य जो घटना है या समाचार है या जो करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं वो भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें जो सबसे पहला जो वन लाइनर का जो पॉइंट है, उसमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि आजकल एशियाई जो कुश्ती की जो चैम्पियनशिप है वो चल रही है कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में जो चल रही है उसमें भारत के कई जो पहलवान हैं और रेसलर्स हैं उन्होंने अपने पदक जीते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो पहला जो उससे जुड़ा हुआ जो पहलू है, ये जो एशियाई चैम्पियनशिप 2021 है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये 2021 की चैम्पियनशिप की बात कर रहे हैं। इसमें भारतीय जो पहलवान है उसमें 59 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता है और उनका नाम है सरिता मोर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें ये आपको बहुत बहुत आने की और उसकी संभावनाएं हैं, और ये एक तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं कि पहली बात तो स्वर्ण पदक है नंबर वन, दूसरा सरिता मोर ने जीता है, तीसरा जो है वो 21 की इंटरनेशनल
सॉरी एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप है, और चौथा जो है ये कहाँ पे हो रही है, ये कजाकिस्तान में हो रही है। तो ये जो एक ही लाइन से चार सवाल जुड़े हुए हैं जो कि किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में आ सकते हैं और आने की संभावना है। दूसरा इसी से जुड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये आपको हमने पहले बताया कि इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसका आयोजन जो है वो कजाकिस्तान कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है, और इसमें जो है 21 जो 2021 की जो एशियाई चैम्पियनशिप है रेसलिंग की वो आयोजित हो रही है, और ये जो है कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित हो रही है, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी से जुड़ा एक और अन्य जो सवाल है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है उसमें आप देखेंगे तो इसमें एक दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों ने आपस में ओवरटेक किया है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ख़रीदा है, और ये आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें फ्लिपकार्ट कंपनी जो है इसने क्लियर स्ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण किया है, और ये दोनों ही जो कंपनी है ये इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं उनको इन्होंने आप मर्ज किया है। इससे जो हमने आपसे बात की थी कि कोरोना से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है जिससे पूरा देश कोरोना से प्रताड़ित है, उसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अभी जो नए जो अस्पताल बनेंगे जो पाइपलाइन में हैं बनने वाले हैं उसमें सभी में जो है ऑक्सीजन के संयंत्र जो है वो अस्पतालों में ही लगेंगे। अभी तक तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के संयंत्र जो है वो निमराना में लगे हुए हैं, और निमराना से जो यूनिट है वो जो गुजरात और दिल्ली और राजस्थान में सप्लाई होती है, आपको शायद पता हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो निमराना से गुजरात जाते हैं, राजस्थान को उसमें बहुत कम हिस्सा मिल रहा है, ऐसे ही उसका एक अधिकांश हिस्सा है वो दिल्ली में जा रहा है। तो ये तीन सवाल तीन वन लाइनर क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किए। पहले में जो है हमने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की बात की जो कि कजाकिस्तान में अलमाटी में हो रही है, जिसमें हमारी जो 59 किलोग्राम भार में जो है पदक जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है, और ये स्वर्ण पदक जो है सरिता मोर ने जीता है। ये एशियाई चैम्पियनशिप जो है दो इसकी जो मेजबानी है वो कजाकिस्तान कर रहा है, और एक दूसरा जो प्रश्न है उसमें फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्लियर स्ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण किया है, और तीसरी जो है वो कोरोना से जुड़ी हुई जो बात है उसमें जो है सरकार ने ये तय किया है कि अब जो नए जो अस्पताल बनेंगे उन 100 अस्पतालों में वो सब में जो है ऑक्सीजन के संयंत्र बनेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो कि जीके और करंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें एक नियुक्ति से संबंधित बात है। ये जो नियुक्ति है ये नियुक्ति सिडबी जो है लघु उद्योग विकास बैंक है, और इसके जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है इसमें जो है शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आने वाली परीक्षाओं में इसकी किसी भी रूप में आ सकता है। एक और जो वन लाइनर जो बात हम कहना चाहते हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोरोना के संक्रमण के कारण भारत के दौरे को रद्द कर दिया है, ये भी सवाल आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के दौरे को कोरोना की वजह से जो है रद्द किया है। एक और जो आज के दिन से जुड़ा हुआ जो सवाल है जो कि बन सकता है उसमें आप जानते हैं कि आज 21 अप्रैल है और आज का जो दिन है इसको आप राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है, और इस के तहत जो है उन्होंने जो कोरोना की जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो लोगों के जो उसकी जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने डेली यूजेज के उसमें लागू किया है। ऐसा ये अब हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
कि भारत ने कजाकिस्तान के अल्माटी के एशियाई जो कुश्ती जो चैम्पियनशिप है उसमें महिला वर्ग में कितने पदक जीते हैं, तो ये हम 7 पदक इन्होंने जीते हैं। 7 पदक किस किस ने जीते हैं इसको हम आपको अगले वाली स्लाइड में डिटेल से बताएंगे। आपने देखा जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो कजाकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप चल रही है रेसलिंग की, उसमें जो है एक अच्छी खबर जो है हमको सुनने को मिली कि उसमें विनेश फोगट और अंशु मलिक ने कजाकिस्तान के अल्माटी चैम्पियनशिप में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दो स्वर्ण पदक जीते हैं, एक अंशु मलिक ने जीता है और एक जो है विनेश फोगट ने जीता है। एक और इसी चैम्पियनशिप से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें महिला वर्ग में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो ये भी सवाल है, ये मैचिंग के सवाल में आपके सामने आ सकता है या इंडिविजुअल यूनिट के रूप में भी सवाल आ सकता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 स्वर्ण पदक है, 1 रजत है और 2 जो है वो कांस्य पदक है, कुल मिलाकर के 7 हैं। और इसमें जो जीतने वाले हैं उसमें दिव्या काकरान है जिन्होंने 72 किलो भार में जीता है, विनेश फोगट है उन्होंने 53 किलोग्राम में जीता है, अंशु मलिक है उन्होंने 57 किलोग्राम में जीता है, और सरिता मोर जैसे अभी पहले भी कहा था उसमें वो उन्होंने 59 किलो भार में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये जो 4 स्वर्ण पदक है वो 4 स्वर्ण पदों जीतने वालों के नाम। ऐसे ही एक और सवाल जो है वो सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली 2 भारतीय बन गई है, और साक्षी मलिक ने 65 किलो भार में रजत और सीमा ने 50 किलो भार और पूजा ने 76 किलो भार में कांस्य जीता है। ये जो है ये एशियाई जो चैम्पियनशिप 2021 जो कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रही है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो सवाल है वो आपके सामने है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आप सब जानते हैं कि इसमें सब लोगों की दिलचस्पी रही है। आप सब जानते हैं कि इस देश में कुछ भगोड़े ऐसे हैं जो हमारे बैंकों का को चूना लगा करके बैंकों से पैसा खा करके और विदेश में भाग गए हैं, उनको भारत वापस लाने के लिए सरकार के जो कदम है वो पहले से ही चल रहे हैं। उसमें एक सफलता ये मिली है कि ब्रिटेन के जो गृह मंत्रालय है, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने जो डायमंड के जो कारोबारी है, जो हीरे जवाहरात के जो कारोबारी है नीरव मोदी, उनके प्रत्यर्पण को भारत को सौंपने की उन्होंने वहाँ के जो कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है, उसके बाद उनकी संसद ने भी उसकी मंजूरी दे दी। एक और सवाल जो है वो उड़ीसा की जो नदी है धामरा नदी में 110 करोड़ के रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी, और इस रोपेक्स जेटी परियोजना में जो है वहाँ पे जो है उसका एक बांध बनाया जाएगा। इसमें एक और सवाल जो है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को प्रथम स्थान मिला है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इस तरह के जो सवाल है वो आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो सवाल है उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा, हमने जो इसको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मामले में भी कुछ सवालों को शामिल किया है। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना के लिए 162 प्रेशर स्विमिंग एबोर्शन ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 100 अस्पताल बनेंगे उसमें वो संयंत्र ऑक्सीजन की उसके जो यूनिट के बनेंगे। इसमें तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चला रहा है, इसमें रेलवे भी इसमें सहयोग कर रहा है इस परियोजना में, और वो जो है उन सिलेंडरों की जो है डिलीवरी के लिए उसकी सप्लाई के लिए एक विशेष प्रबंध करने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ पिछले 2 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो एक भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट है, इन्होंने 18% का 4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जो कि 2020 के दौरान सोने का आयात जो है 58%
प्रतिशत बढ़कर के 34.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। भारत में जो है सोने का आयात, आप सब जानते हैं कि भारत में जिस तरह का जो सोने की जो खपत है, अगर आप उसको हमारे हिंदी साहित्य के उसमें आप देखेंगे तो प्रेमचंद के एक उपन्यास में एक बात कही गई कि भारत सोने की चिड़िया तो आज भी है, पर सोने की चिड़िया के जो पंख हैं वो बिखर गए हैं। तो हमारे घरों में जो सोना जो दबा पड़ा है, मंदिरों में दबा पड़ा है, वो सारा उसको ध्यान में रखते सरकार ने जो है वो इसको 34 बिलियन अमरीकी डॉलर के जो सोने का जो है आयात करने का निर्णय लिया है। फिर हमने जब आपसे बात की थी आरंभ में कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कुछ समाचारों को, खबरों को आपके सामने लाएंगे, इसमें अमेरिका और चीन के बीच में जो है जलवायु संकट के सहयोग के रूप में सहमति बनी है। दूसरा एक जो सवाल है वो आईईए के महानिदेशक राफाल मारियो ग्रासी ने पुष्टि की है कि ईरान ने न्यूट्रॉन पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र में 60% यूरेनियम उत्पादन शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे कि वहाँ पे जो भी न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स थे उन सबको बंद कर दिया गया था। तो अभी ईरान ने अब उसकी पुष्टि की है कि उन्होंने जो है यूरेनियम के उत्पादन, यूरेनियम जो होता है एक परमाणु उसका एक वो होता है, उसमें जो है 60% तक काम शुरू कर दिया है यूनिट। ऐसे ही एक और सवाल जो है उसमें एडोब के सह संपादक और पीडीएफ डेवलपर के चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है। आप जानते हैं कि हम जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारी कंप्यूटर पर कई सारी फाइलें होती हैं जो हम वर्ड में टाइप करते हैं, और वो फाइल वैसी की वैसी रहे, उसकी सेटिंग्स में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो पीडीएफ वर्ड से पीडीएफ बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका आज उनकी डेथ हो गई है, और उनका जो नाम है वो चार्ल्स गेस्के था। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये जो क्विज है इसमें हमने निर्णय किया था कि इसमें हम प्रश्नों को भी शामिल करेंगे, तो हमने पहले जो प्रश्न के रूप में जो है वो शामिल किया है वो है विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ये जो है दो दिन से लगभग सुर्खियों में चल रहा था, और सारे जितने भी जो कोचिंग्स के जो लोग हैं जो कि लाइव करते हैं उन्होंने लगभग इसी सवाल को तवज्जो दी है और इसी सवाल को प्राथमिकता देते हुए लगभग पहले स्थान पर रखा है। तो हमने भी इसको उसी वेटेज के साथ, उसी प्राथमिकता के साथ पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि राजस्थान की परीक्षाओं के संदर्भ में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान विश्व धरोहर का एक बहुत बहुत अच्छा केंद्र है, और इस तरह के जो सवाल है वो राजस्थान में आरपीएससी या जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उससे आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के सवाल को शामिल किया जा सकता है। इसमें दो चार ऑप्शन है, एक है 20 जनवरी, दूसरा है 15 मार्च, तीसरा है 10 मई और चौथा है 18 मार्च, और इसका जो सही उत्तर है वो है 18 मार्च। 18 मार्च विश्व धरोहर दिवस के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, सॉरी 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड हेरिटेज की डे 2021 की जो थीम है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स पास डाइवर्स फ्यूचर के नाम से जो इसका थीम का नाम रखा गया है, और विश्व धरोहर दिवस मनाने का महत्व इसलिए भी है अहम हो जाता है कि इसका मकसद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसलिए जो 18 अप्रैल का जो दिन है वो 18 अप्रैल का जो दिन है वो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा कि इसमें जो है चार सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो यह है इसकी दिनांक से रिलेटेड है कि किस दिन होता है, तो आपका सवाल का जवाब है 18 अप्रैल को होता है। इसका जो है थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वो कॉम्प्लेक्स पास डाइवर्सेज फ्यूचर्स है, और ये क्यों, ये जो विश्व धरोहर दिवस है इसका जो रोल है, इसकी जो भूमिका है वो क्यों मनाया जाता है, वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो विरासतें हैं उसका संरक्षण के लिए,
उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो है विश्व धरोहर दिवस जो है मनाया जाता है, ताकि हमारी जो पुरानी जो धरोहर है, हमारी जो पुरखोती है, वो संरक्षित रहे और उसके प्रति हमारा लगाव यथावत बना रहे। दूसरा जो सवाल है, इस सवाल में हमने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ सवाल लिया है। वैसे तो इस पर हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, फिर भी एक जो सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें 53 किलो में जो है वो किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें जो है इसका आंसर जो है विनेश फोगट, गीता फोगट, साक्षी मलिक और ऋतु फोगट, इन चारों में से जो है सही जवाब जो है वो विनेश फोगट है। विनेश फोगट के बारे में हम आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे ये एशियाई चैंपियनशिप में 53 किलो में भार में, तो पहला इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इन्होंने 53 किलो भार में ये जीता है, और फिर पदक की जो है वो कैटेगरी कौन सी है, तो इसमें इन्होंने दूसरी जो है वो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तीसरा जो है ये इन्होंने किन के खिलाफ बड़ा हासिल करके जीता है, ये सवाल भी अक्सर आईएएस जैसे एग्जाम्स में इस डीपली लेवल पे जाकर के पूछे जाते हैं कि इन्होंने ताइपे चीनी ताइपे की जो वेंग हॉन सिंह है उसके खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करके जीता है। ये जो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस तरह की जो गहन जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो चीज़ें हैं ये छोटे एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे आपके पटवार में है, एसआई में है, वनपाल में है, या दूसरी जो एसएससी की एग्ज़ाम्स हैं, पर यूपीएससी और आरएएस की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें गहराई से जा करके और नीचे उतरा जाता है। जैसे किसके खिलाफ है, ये इनके खिलाफ है, कितनी बढ़त थी, 6-0 की, तो आपको वहाँ दे देंगे 5-0 की थी, 6-0 की थी, 5-1 की थी, 4-3 की थी, इस तरह के जो है वो आपको पूरी तरह से उसमें उसके आपको नॉलेज को टेस्ट करने के लिए काफ़ी गहराई तक जाते हैं। और इस प्रतियोगिता में जो है ये जो है विनस की जो है वो दूसरी जीत है, विनेश फोगट ने जो है हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि इनसे जुड़ा हुआ अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला जो सवाल जो हमने इसमें शामिल किया है उसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में से निम्न में से किस देश को स्थान प्राप्त है, इसमें हमने रखा है चीन, नेपाल, स्वीडन, भारत, और इसका सही जवाब जो है वो स्वीडन है। स्वीडन को हमने का इसका वो डिटेल हमने आपके सामने रखी है ताकि इससे जुड़े हुए दूसरे सवाल भी इसमें आ सके। ये फेसबुक पे समावेशी इंटरनेट सूचकांक से संबंधित है और इसमें 112 देशों को शामिल किया गया है। ये देश जो है 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखिए ये जो सिविल सर्विस के जो है ये सवाल हो सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि इसको ये जो लाइन जो मैंने रेड किया है इसमें यूपीएससी के लेवल के जो सवाल है उसमें इसी तरह से आपको डीप नॉलेज को जो आपको देखा जाता है। और इसमें जो इसी से जुड़ा हुआ भारत के साथ साथ इसमें थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है और इसकी रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, इसके बाद दूसरे नंबर स्थान पर अमरीका, तीसरे पर स्पेन रहा है। तो आप अगर इसका एक सवाल को अगर देखेंगे तो इसकी पहली रैंकिंग जो है स्वीडन है, दूसरी इसकी जो रैंकिंग है वो अमेरिका है, और तीसरी इसका जो नंबर है वो स्पेन है। और ये जो है रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य और प्रासंगिकता के आधार पर इसकी रैंकिंग तय की गई है। तो आपको ये भी एक सवाल बनता है कि ये जो रैंकिंग है इंटरनेट फेसबुक समावेश इंटरनेट सूचकांक की जो रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है, तो इसमें आप लिखेंगे पहले इसमें इंटरनेट की उपलब्धता, दूसरा उसमें जो है उसकी कैपेसिटी सामर्थ्य, उसकी प्रासंगिकता, उसका रेलेवेंस
और उसकी तत्परता, उसकी एक्यूरेसी, इन चार आधारों को के आधार पर ये जो है, ये सूचकांक जो है, इसमें स्वीडन को पहला स्थान दिया गया। नेक्स्ट जो चौथा सवाल हमने इससे जुड़ा हुआ आपके लिए रखा है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें विश्व में जो है होमोफीलिया दिवस के बारे में ये सवाल है, जो हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल भी कुछ इसमें रखेंगे, और इसमें ये है कि विश्व होमोफीलिया, वर्ल्ड होमोफीलिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 17 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च और चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी। इसमें से जो सही उत्तर है वो है 17 अप्रैल बी। इसमें हमने इससे जुड़े हुए जो और दूसरे सवाल जो बन सकते हैं उसके आधार पर हमने इसको विश्लेषित करने की कोशिश की है कि विश्व भर में हर साल 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, तो इसको जो है कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा, इसमें होमोफीलिया रोग और रक्त के बहने से संबंधित है, तो ये आपके साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल भी बन सकता है कि इसमें ये किससे होमोफीलिया कैसे होता है, तो ये रक्त के बहने और से जुड़ी हुई बीमारियों से के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने से है, और होमोफीलिया रक्त से जुड़ी हुई एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। विश्व में होमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया द्वारा 89 में की गई और 17 अप्रैल को की गई थी। इसी दिवस के रूप में इसको जो है वर्ल्ड फेडरेशन होमोफीलिया WFH जो है उसके संस्थापक फ्रैंक श्रावेल के जन्मदिन के सम्मान में इसको मनाने के लिए चुना गया। तो इससे जुड़े हुए आपको तीन चार सवाल बनते हैं, एक 17 अप्रैल को मनाया जाता है, दूसरा जो है इसमें ये रक्त को बहने के संबंधित और अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने से संबंधित है, इससे होमोफीलिया क्या है, ये रक्त विकार से जुड़ी हुई एक जानलेवा बीमारी है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया हुई, कब हुई, 89 में हुई, किस दिन हुई, 17 अप्रैल को हुई, और ये जो होमोफीलिया वर्ड जो के संस्थापक कौन है, फ्रैंक श्रावेल है, और इनके जन्मदिन के रूप में इनको मनाया जाता। इस तरह से एक ही सवाल में आपको, आप अगर देखेंगे तो 8 से 10 सवाल बनते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट जो पांचवा जो क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं उसमें आप देखेंगे तो इसमें भारत वही खेल से जुड़ा हुआ है कि इसमें हम भारत ने कितने कजाकिस्तान में उसमें कितने पदक जीते, तो ये जो एशियाई चैंपियनशिप ने हमने आपको बता दिया 7 पदक जीते हैं, जिसके बारे में ऊपर हम पहले डिटेल बता चुके हैं कि ये अल्माटी कजाकिस्तान में आयोजित हो रहा है, एशियाई कुश्ती की 21 की चैंपियनशिप है, महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत जीता है, 2 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 7 पदक जीते हैं। किस किसने जीता है, दिव्या काकरान ने 72 किलो में जीता है, विनेश फोगट ने 53 किलो में जीता है, अंशु मलिक ने 57 किलो में जीता है, सरिता मोर ने 59 किलो भार में जीता है, ये 4 स्वर्ण पदक हो गए, और सरिता, दिव्या और ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा करने वाली वे दोनों भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। छठा जो सवाल हमने आपके लिए रखा है उस ये सवाल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने अभी चर्चा की थी पिछले उसमें वन लाइनर क्वेश्चन में कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े को प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है, तो इसमें वैसे तो ये चारों ही भगोड़े हैं और चारों ही देश को लूट करके बाहर चले गए हैं, जिसमें एक नीरव मोदी हैं, दूसरे मेहुल चौकसे हैं, एक तीसरे ललित मोदी हैं और चौथे समीर मोदी हैं। इसमें जो है सही जो उत्तर है उसमें जो नीरव मोदी इसका ए जो है इसका सही उत्तर है, और इसके बारे में हमने इससे जुड़ी हुई जो दूसरी जानकारियां हैं वो भी आपके लिए लेकर के आए हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय, किसने इसकी मंजूरी दी, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने दी, किसके बारे में दी, क्यों दी, प्रत्यर्पण की मंजूरी दी, किसने भारत में उसको परचू किया, CBI ने उसको परचू किया, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसको
चुकी है। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने भी इसको प्रत्यर्पण के आदेश दिया था। बैंक घोटाले में भारत के लिए वांछित है। कौन से बैंक के लिए घोटाला है? पीएनबी। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है और उन सबूतों के आधार पर ब्रिटेन की अदालत ने और फिर वहाँ की जो है गृह मंत्रालय ने उनको भारत को सौंपने की मंजूरी दी है। अब हम देखते हैं कि वो कब भारत में आते हैं और उनकी कब तहकीकात और उनकी जांच होती है। अगला जो सवाल है जो हमने वन लाइनर में कवर किया था आपके लिए, उसमें सातवां जो सवाल है वो सवाल उड़ीसा में जो रोपेक्स जेटी परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल है और इसमें जो है 110 करोड़ की लागत से एक परियोजना बन रही है। योजना में जो है हमने चार ऑप्शन रखे हैं, पहला भागीरथी नदी, दूसरा ब्राह्मणी नदी, तीसरा बुधबंगला नदी और चौथी है जो घामरा नदी। तो इसमें जो सही जवाब जो है वो घामरा नदी है और ये जो घामरा नदी है ये उड़ीसा में है और इसमें 110 करोड़ रुपए की जो है रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनाने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने वाले यात्रियों को अभी तक 6 घंटे लगते थे उसमें अब जो है जल मार्ग से ये 1 घंटा लगेगा। और मंत्रालय ने कहा कि रोपेक्स सिटी परियोजना में घामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तलुचा और घामरा तक की सड़क में जो है 200 किमी की दूरी को कम कर दिया जाएगा। तो ये इसमें से जुड़ा हुआ और दूसरे जो है वो पहलू है। अब आप देखेंगे अगला जो सवाल जो हमने आठवां सवाल और आखिरी सवाल जो आपके लिए रखा है, इसमें हमने विश्व आवाज़ दिवस को, वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में आवाज़ का जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा है, जो आवाज़ उठाता है उसी के ऊपर सारी चीज़ें चलती है। तो इसके भी हमने एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की जो बात हमारा संविधान कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी से जुड़ा हुआ विश्व आवाज़ दिवस है वो कब मनाया जाता है। और इसके लिए हमारे जो ऑप्शंस हैं वो 12 मार्च, 16 मार्च, 21 जुलाई और 30 नवंबर। इसमें से चारों में से जो है सही जवाब जो है 16 मार्च है और 16 मार्च का बी आपका सही उत्तर है। और इससे जुड़े हुए जो दूसरी जो जानकारियाँ हैं, ये विश्व जो आवाज़ जो दिवस है, वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने हेतु 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है, मतलब ये एनुअली होता है, जो मानव आवाज़ की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। ये इसका उद्देश्य है, इसका अगर उद्देश्य कहीं पूछा जाता है तो इसका जो ये उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य आम लोगों, वैज्ञानिकों इत्यादि के साथ आवाज़ के उत्साह को साझा करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आगे हमने इसके जो अगले और अंतिम पड़ाव में जो है कुछ सवाल ऐसे रखे हैं जिनके विकल्प नहीं है, बिना विकल्प के हैं, क्योंकि आरएएस जैसी एग्जाम में जो है वो छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 50 शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए, 25 शब्दों में लिखिए, इस तरह के जो सवाल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है उसमें विकल्प ना दे करके उसके जो सवालों को जो है उसके आंसर के साथ, ताकि उसको संक्षेप में उसका आंसर हम दे सकते हैं, जिसको कि ये एक आरएएस की दृष्टि से, आरएएस की जो मेन जो एग्जाम है, आरएएस की जो मुख्य परीक्षा है, आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें हमने जो पहला सवाल जो रखा है उसमें रखा है कि किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक को मसौदा तैयार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इंटरनेशनल लेवल पे, और इसमें जो है उसका जो फ्रांस, और इसकी जो डिटेल है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। नेशनल असेंबली ने इकोसाइड अपराध के निर्माण को मंजूरी दी है जो पर्यावरणीय क्षति के कृत्यों को दंडित करने का प्रयास करता है।
इस विधेयक को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण क्षति के लिए सबसे गंभीर मामलों पर लागू किया जाएगा, जैसे नदी का प्रदूषण, पर्यावरण के खतरे में डालने वाले अपराध, जीवन को खतरे में डालने वाले अपराध की तरह दंडनीय माना जाएगा। जैसे वुमन जो लाइफ को जो थ्रेट करने वाले जो अपराध है, ऐसे ही इन्होंने ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग इक्वलेंट जो है उसके समकक्ष जो है वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों को भी उसके साथ रखा है। एक और जो सवाल जो हमने रखा है उसमें मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है, इसका जो है उत्तर जो है वो इंडियन जंपिंग आंट है। ये एक तरह की चींटी होती है जो कि जिस पर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च कर रहे हैं, जिससे मानव का जो स्वास्थ्य है उससे जुड़े हुए कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं और आने वाले हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि इंडियन जंपिंग आंट अपने शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करने के लिए अपने मस्तिष्क को लगभग 20% तक कम कर सकती है। अध्ययन के अनुसार ये चींटी अगले हफ्तों में फिर से अपने मस्तिष्क का आकार बढ़ा सकती है। इंडियन जंपिंग आंट पहला ऐसा कीट है जो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम है। मधुमक्खी सहित अन्य कीट अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंडियन जंपिंग आंट जो है, ये एक तरह की जो चींटी है, इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है ताकि आगे आकर के इसके जो प्रयोग है उससे मनुष्य के जो दिमाग से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं और उनसे जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जा सके। इसलिए ये सवाल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे तरीके के जो प्रश्न है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो सवाल जो हमारा जो है उसमें आप देखेंगे कि ये 11वां सवाल जो है, और इसमें हमने किस संस्था ने डुरो की सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है। डुरो सीरीज का जो पहला जो किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है, इसमें हमारे IIT हैदराबाद का नाम आता है। और इसका के बारे में अगर दूसरी जानकारियों की अगर हम चर्चा करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने डुरो की सीरीज के नाम से दुनिया का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद लॉन्च किया है। इस स्वच्छता उत्पाद को IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया है, जो COVID-19 के वायरस के प्रसार से निमटने के लिए नवीन और लंबे समय तक चलने वाली तकनीकों के विकास के रूप में देखा जा सकता है। और इस पे जो है कोरोना के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। और आखिरी जो सवाल आपके लिए हम जो लेकर के आए हैं उसमें 12वां जो सवाल है उसमें सवाल है, कौन सा देश भारत को S-400 ट्रिम्फ SA-21 ग्लोवियर की डिलीवरी करेगा। ये जो सवाल है इसका जवाब तो वैसे रूस है, और इसकी अगर हम और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो रूस भारत को S-400 ट्रिम्फ SA ग्लोवर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मिसाइल सिस्टम है, और ये जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है उस वो माना जाता है, और उसको देने के लिए रूस एग्री हुआ है, राजी हुआ है, और इसका पहला रेजिमेंटल सेंट जो है उसकी डिलीवरी करने जा रहा है। भारत और रूस ने S-400 ट्राइम्फ SA-21 ग्लोवर के लिए $5.43 बिलियन का अनुबंध किया है। ये प्रणाली भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए और भारतीय रक्षा इंडियन डिफेंस के लिए बहुत अच्छा एक सौदा माना जा रहा है, और इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स भी आने की उम्मीद है। इसमें जो भारत को जो धमकाने वाले जो देश हैं उनको भी उसमें एक डर महसूस होगा कि भारत के पास S-400 जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो सोच समझ के ही अपने आगे की जो है रणनीतियाँ तैयार करेंगे। आगे एक और लास्ट जो सवाल है उसमें वही हमने जो JT परियोजना जो उड़ीसा की झाझरानी परियोजना से जुड़ा हुआ है उसको रखा है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल पे पहले हम सारी चर्चा कर चुके हैं, पर फिर भी जो है ना इसको शॉर्ट जो आंसर्स हैं
उसमें हमने शामिल किया है और उड़ीसा से इसका संबंध है। जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि 110 करोड़ की रोपेक्स जेटी परियोजना उड़ीसा के घामरा नदी पर निर्मित की जाएगी और सागरमाला पहल के तहत रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी संबंध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र 50 करोड़ से अधिक की इसमें मंजूरी देगा। ये आपके जो सवाल थे, ये जो आपके जो करंट जीके से जुड़े हुए जो सवाल थे, इन सवालों में 19 तारीख और 20 तारीख 19 अप्रैल और 20 अप्रैल से जुड़े हुए सवाल थे। आज चूंकि 21 अप्रैल है और हम सेकेंड हाफ में ये प्रोग्राम आपके पास लेकर के आए हैं, तो हमने 21 अप्रैल की दो जो महत्वपूर्ण जो समाचार है उसको अपडेट के रूप में आपके सामने लाए हैं। और ये जो अपडेट में इसमें जो पहला जो तथ्य है वो ये है कि जो कोरोना की जो भयावहता जो देश में चल रही है उसमें पिछले 24 घंटों में 10,000 नए केस आए हैं और ये 60 मौतें हुई हैं। ये 10,000 केस पर आवर के हैं। अगर आप पूरे उसमें पिछले 24 घंटे के उसमें देखें तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए जो आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। और देश में रविवार को रोज प्रति घंटे लगभग 10,000 नए मामले आ रहे हैं, 60 की मौत हो रही है और बीते 24 घंटों में करीब 2,59,000 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से और इसमें लगभग 1,761 लोगों की मौत हुई है, जो एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए मैं आपसे पहले फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप कोरोना से 2 गज की दूरी को मेंटेन करें, मास्क लगाएं, हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, खुद भी बचें, अपने परिजनों को भी बचाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। और ये लापरवाही का जो नतीजा है उसमें लॉकडाउन जैसी और कई, जैसे दिल्ली ने पूर्ण लॉकडाउन कर दिया, ऐसे महाराष्ट्र में चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान में भी ऐसा हो। तो इससे बचने के लिए सावधानी बरतना सबसे ज़रूरी है। और आखिरी एक जो तथ्य हम आपके सामने लाए हैं उसमें ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है कोरोना की वजह से। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण वो है कि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो भारत में ना जाएं और अगर भारत में हैं तो वो उनके लिए एक SOP जारी की है, उनके लिए गाइडलाइन जारी की है। और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है और अब भारत में 10 दिन रहने के बाद ब्रिटेन में नहीं मिलेगी एंट्री और भारत से वापस लौटने के लिए ब्रिटिश के नागरिकों को 10 दिन तक जो है वो आइसोलेशन में रहना होगा। ये आज के जो थे महत्वपूर्ण और सवाल थे, महत्वपूर्ण खबरें थी जो हम आप तक लाए। आप इस प्रोग्राम को आगे अब देखते रहिएगा, ये आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रोज़ लाया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।